भले ही प्रदेश और केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करती हो और पीतल नगरी के दस्तकारों और एक्सपोर्ट के लिए डिजाइन बैंक की बात करती हो, सही मायने में जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सदियों पुराने इस दस्तकारी के व्यवसाय से जुड़े कारीगरों और मजदूरों की माने तो मुरादाबाद में मुनाफाखोरी के चलते पीतल दस्तकार बदहाल स्थिति में पहुंच गए हैं। मुरादाबाद से भाजपा के मेयर विनोद अग्रवाल से जब पब्लिक टीवी इंडिया ने बात की तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने मुरादाबाद के दस्तकारों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें आने वाले समय में पीतल कारोबार से जुड़े लोगों को बहुत ही फायदा होने जा रहा है। स्मार्ट साउंड। भारत सरकार और प्रदेश सरकार मेक इन इंडिया के तहत पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के योजनाएं चला रही है, जिसमें जैसे मान लीजिएगा फिरोजाबाद है वहाँ कांच का काम होता है, सहारनपुर है वहाँ लकड़ी का काम होता है, अलीगढ़ है वहाँ तालों का, ये जो नगरीय हैं अलग अलग वहाँ पर उसी प्रकार के उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के माध्यम से क्लस्टर योजनाएं शुरू कर रखी हैं काफ़ी समय से। उनको बढ़ावा देने के लिए माननीय योगी जी ने अभी नए सिरे से यहाँ पर जैसे मुरादाबाद मेटल का वो है तो यह मेटल बैंक के नाम से जैसे कि यहाँ पर कोई भी एक आदमी सरकार से सब्सिडी लेके एक उद्योग के तरीके से लगाए और यहाँ पर जो ज़रूरतमंद कारीगर हैं उनको किसी को मान लो 50 किलो रोज की सिल्ली की भट्टी है तो 50 किलो रोज उसको मेटल वहाँ से मिल सकता है सही दामों पे। ओपन बाजार में ऑलरेडी ये सब उपलब्ध है सिल्ली पर वो जो मेटल बैंक है। इसी तरह यहाँ पर उद्योग केंद्र है, जिला उद्योग केंद्र, उसके माध्यम से बहुत सारे क्लस्टर करीब 50 से ज़्यादा यहाँ पर लगे हुए हैं। उनमें से पिछली सरकार में उनको पूरी तरीके से पोषित नहीं किया गया तो वो आधे से ज़्यादा क्लस्टर उनमें से बंद पड़े, पर अगर उनमें से कुछ जो भी लोग चला रहे हैं ठीक तरीके से अगर वो चलाएं तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी योजना है सरकार की। उससे एक तो लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग के अलावा लोगों को रोजगार उपलब्ध होने के लिए एक बढ़िया चीज है। और मान लो यहाँ पर एक फैक्ट्री लगी है गत्ते की, यहाँ पर एक लगी है लकड़ी की, कई लकड़ी की, एक लेदर की लग रही है, कांच की लगी है मुरादाबाद में, और मेटल सर्विस सेंटर लगा हुआ है, MHSC है, MIDPL है और कई इसमें की है। इसकी पूरी जानकारी आप जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक अच्छी योजना है सरकार की, वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। और मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर MHSC इसका उदाहरण है, आप वहाँ जाइए और वहाँ इसकी जानकारी लीजिए। आजम भाई क्लस्टरी क्या पोजीशन है, यहाँ जो दस्तकार हैं उनकी क्या स्थिति है अभी? देखिए मुरादाबाद दस्तकारों का शहर है, 360,000 पीतल के दस्तकार यहाँ अलग अलग मेटल में काम करते हैं और आज जो दस्तकार की दशा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। 2014 के बाद से दस्तकारों के हित में जो केंद्र सरकार ने योजनाएँ थी वो सारी बंद कर दी हैं। आर्टिजन्स कार्ड का मामला है, आर्टिजन्स क्रेडिट कार्ड का मामला है, आर्टिजन्स हेल्थ कार्ड का मामला है, ये सारी योजनाएँ 2014 के बाद से बंद हैं। 2016-2017 में भारत सरकार ने मुद्रा योजना के नाम पर दस्तकारों को देना चाहा था लेकिन मुरादाबाद की जो बैंकें हैं वो पिछले दौर को देखते हुए आज बिल्कुल कोई काम नहीं कर पा रही हैं। और उन्होंने क्योंकि वो ये कहती हैं कि पिछला जो कारीगर है बाढ़ आने वो डिफ़ॉल्टर है और डिफ़ॉल्टर होने का कारण मैं बता दूँ, 20 सितंबर 2010 को मुरादाबाद में बाढ़ आई थी और पिछली सरकार ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना और आर्टिजन क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर कुछ पैसा दिया था,
लेकिन बाढ़ के चलते मुरादाबाद का दस्तकार तबाह और बर्बाद हो गया था। उसकी लड़ाई हम भारत सरकार में लड़ रहे हैं, परंतु उसी का हवाला देकर मौजूदा समय के बैंक मैनेजर दस्तकार की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मुरादाबाद में जो हमारे आर्टिजन्स हैं, लगभग जो सरकारी आंकड़े हैं वो तो कहते हैं 60-70 हज़ार, मगर इसमें जो पूरा शहर इन्वॉल्व है वो 3 लाख के करीब हैं। जो लोग हैं उनके एक तो आइडेंटिटी कार्ड, अभी तक जो पहचान है उनकी आइडेंटिटी, वो उन तक को नहीं मिल पाई है। जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से मिलता है एक पहचान, उसका नाम ही पहचान है, तो हम लोगों को वो एक पहचान दिलाने में भी बड़ी मुश्किल है। क्योंकि हमारे जो एडी हैंडीक्राफ्ट का ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, वो बरेली में खुला हुआ है, क्योंकि 7 ज़िलों के अधिकारी जो बैठते हैं एडी, वो वहाँ बैठते हैं। आर्टिजन सबसे ज़्यादा इन ज़िलों में, 7 ज़िलों में, वो मुरादाबाद में है। तो एक हमारी लंबे अरसे से डिमांड चली आ रही है कि हमारे आर्टिजन्स का जो ऑफिस है रिलेटिव, वो मुरादाबाद में खुलना चाहिए, क्योंकि मुरादाबाद में आर्टिजन्स की तादाद ज़्यादा है, जिससे उनकी कोई आइडेंटिटी कार्ड या उनकी कोई छोटी मोटी समस्याएँ वो हल हो जाएँ। दूसरा ये है कि मुरादाबाद में आर्टिजन्स की जो आजकल हालत है, आप देख रहे होंगे ई रक्षा, वो सारे आर्टिजन ही चला रहे हैं ई रक्षा और ऑटो, क्योंकि उनको काम नहीं है। बहुत से लोग नेपाल चले गए, बहुत से लोग चेन्नई में जाकर काम कर रहे हैं, मतलब पलायन की स्थिति है। एक्सपोर्टर के पास ऑर्डर जो हैं वो कम हो गए हैं, जब से ये अपना ड्रॉबैक ख़त्म हुआ है। एक्सपोर्टर की अपनी एक समस्या है कि भाई ड्रॉबैक नहीं मिल रहा, उसको इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पा रहा। तो गवर्नमेंट को इस तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, जो आर्टिजन्स का रोज़गार, हमारा ये खुद का एक रोज़गार है, जो मेक इन इंडिया जो बात है, स्टार्टअप योजना है, उसमें इसे शामिल करके इसको रोज़गार को मुहैया कराने का एक बेहतर रास्ता है। मेरा कहना सिर्फ सरकार से यही है कि इसके ऊपर गौर करें, वरना एक दिन ये होगा कि ये हमारी सनत ख़त्म हो जाएगी और हमारा ये काम चाइना में चला जा रहा है। चाइना इसमें कंपटीशन में डायरेक्ट काम कर रहा है। आज हैंडीक्राफ्ट चाइना का पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। भाई देखिए, ये तो सब आंकड़े हम टीवी पे ही सुनते हैं, बाकी ज़मीनी हकीकत पे तो नहीं है। ज़मीन पे आके काम करना चाहिए, और हमें ये चाहिए कि हमें रोज़गार जो मुहैया कराने की बात है, ये सबसे बड़ा रोज़गार खुद है। इसको, रोज़गार को ख़त्म तो ना करें, इसका संरक्षण करें, इस रोज़गार को जो है एक पौधे को बड़ा करें। मेरा सिर्फ सरकारों से यही निवेदन है कि इसको सरकार गौर करे और इसके बारे में सोचे। देखिए, बैंकिंग हेल्प का यह है, जो छोटा मोटा लोन है वो नहीं मिल पाता, उन्हें बैलेंस शीटें चाहिए, उन्हें पूरा सब चीज़ें चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें, बैंकिंग की जो फॉर्मेलिटी है वो एक आर्टिजन पूरी फिलफिल नहीं कर पाता, उस वजह से उसे लोन नहीं मिलता। वो कहते हैं कि भाई आप 6 महीने का स्टेटमेंट लाओ, इतने लाख का टर्नओवर, वो सब चीज़ें होती हैं। यहाँ के कारोबारी लेन देन आर्टिजन का तो ये रोज़ का कुआँ खोदना, रोज़ का पानी पीना, 500-700 रुपये उसने कमाने हैं तो वो उसे कमा के अपने बीवी बच्चों में खर्च करने, फैमिली में, वो कहाँ इसको बैलेंस शीट और अकाउंट और ये सब चीज़ें।